हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूज तो तुम लोग बढ़ा ही देते हो, सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो। खैर, आज की वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं। और जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था, आज मैं अपने ही आर्टवर्क में कमी निकालूंगा। थोड़ा ज़रूरी है वो, इसलिए क्योंकि कोई मुझे मेरी कमी जल्दी से बताता नहीं है। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कई बार आप औरों की एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम करते हैं और उस काम में कमियाँ होती हैं, बट वो कोई आपको बताएगा, तो आपको वहाँ पे खुद का ही क्रिटिक बनना पड़ेगा और अपनी कमियाँ निकाल के उनको सही करना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कमियाँ मेरे अपने आर्टवर्क्स के अंदर भी हैं, और इस वीडियो में आप कुछ ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो आपने शायद इस चैनल पे नहीं देखी है। वो सारे आर्टवर्क्स तब के हैं जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया था। तो शुरू करते हैं, और जो पहला आर्टवर्क मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आर्टवर्क और कुछ नहीं, मेरा अपना सेल्फ पोर्ट्रेट ही, क्योंकि वहाँ से मैंने अपनी ड्राइंग शुरू करी थी। और जिन शीट से मैंने ये सब ड्राइंग्स करी हैं, वो शीट मेरे पास 8th-9th क्लास से पड़ी हुई है। मतलब मैंने तब से कुछ भी ड्रॉ नहीं करा, और एकदम से क्वारंटीन हुआ, लॉकडाउन हुआ, और मैंने सोचा चलो पुराने शौक पूरे करते हैं। तो मैंने वो शीट बाहर निकाली और मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया। तो अगर आप इस वाले आर्टवर्क को देखें तो इसके अंदर कमी क्या है, इसके अंदर कमी है क्लीनिनेस की कमी है। और एक शाबाशी मैं अपने आपको इस वाले आर्टवर्क में दूंगा, क्योंकि मैंने ये वाला पूरा का पूरा केवल HB पेंसिल से बनाया था। तब तक मैंने शेडिंग पेंसिल्स परचेज नहीं करी थी, तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। पर जो कमी है वो तो है ही, जो बियर्ड है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत पुश कर करके पेंसिल को चलाया है, जिस वजह से बियर्ड बिल्कुल भी नेचुरल नहीं आई और शार्प भी नहीं थी पेंसिल। और गॉगल्स अच्छे बने हैं, बट कमियाँ तो हैं। और नीचे आप गर्दन में देखें तो कुछ बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन्स दिख रही हैं, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं दिखती। नेक्स्ट आर्टवर्क नेक्स्ट है मेरा ये डॉक्टर स्ट्रेंज। मैं इसमें कमी कैसे निकाल सकता हूँ, बट हाँ वीडियो ऐसी तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर आप हेयर सेक्शंस को देखें इस वाली ड्राइंग के, तो हेयर्स के अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं। जो वाइट स्ट्रैंड्स मैंने अलग से बनाई हूँ, वाइट स्ट्रैंड्स पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। लग रहा है कि जैसे प्लास्टिक की स्ट्रिप्स जैसे मैंने ऊपर बालों में डाल दी, तो ये भी बहुत गलत है। आईज़ बहुत अच्छी हैं, बट फेस के प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत छोटी है, और नोज़ के बगल में जो ग्रेफाइट्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी तरह ब्लेंडेड नहीं है। एक और चीज़, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग्स हैं, उन रिंग्स के अंदर भी मैंने ठीक से इनको कैमोफ्लेज नहीं करा है इस वाले ड्राइंग में, जिसके कारण ये बहुत बाहर बाहर से दिख रही है। मतलब ये जादू डॉक्टर स्ट्रेंज का लग ही नहीं रहा, बट हाँ देखने में ड्राइंग अच्छी लगती है तो ठीक है, अच्छी ड्राइंग है। और हाँ, ये शुरुआती दिनों की ड्राइंग है मेरे, मतलब कुछ 3-4 महीने पहले की, तो थोड़ा लीनियंसी बरतना यार। मतलब हाँ, ये बहुत अच्छी ड्राइंग है आयरन मैन की। सबसे पहली जो दिक्कत है वो असल में आर्टिस्टिक नहीं है, बट फिर भी काउंट करेंगे उसको, कि इसका बैकग्राउंड नहीं, और आयरन मैन के पीछे बैकग्राउंड नहीं, तो बहुत ही मतलब सीधा सा स्केच लग रहा है ये। थोड़ी क्लीनिनेस की भी कमी है, हो सकता है शीट की कमी हो, क्योंकि शीट अगर मैं इसका पीछे इसको मोड़ के दिखाऊं, तो ये शीट्स आप देख रहे हो रूल्ड है, वन साइड रूल्ड वाली शीट्स हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स में यूज़ होती थी और मेरे पास ये रखी थी, तो मैंने इनका बस थोड़ा प्रोडक्टिव इस्तेमाल करने के लिए इनको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया, और कोई इंटेंशन नहीं थी मेरी। आयरन मैन मेरे को बनाना था, ये सूट की ड्राइंग मेरे को पिंटरेस्ट से मिल गई थी और फिर मैंने स्केच करा। सूट काफ़ी हद तक अच्छा बना है, वैल्यूज काफ़ी सही हैं, बट कमियाँ तो हैं ही, बैकग्राउंड नहीं है, और आर्मर के अंदर काफ़ी, अगर आप पास से देखेंगे इसको तो आपको काफ़ी कमियाँ मिल जाएंगी। अब आपको भी पास से देखना क्यों, हम दूर से भी तो देख सकते हैं। मतलब कोई भी ड्राइंग अगर दीवार पे लगी हो, अगर आप फ्रेम करा के रखते हो उसे, तो कौन सा आप बिल्कुल ऐसे आँख उसमें ऐसे डाल के देखेंगे चीज़ को, नहीं देखेंगे ना। बट अगर आप ये ड्राइंग्स कहीं पे डिस्प्ले करेंगे, अगर आपका मन है कि आप आर्टिस्ट बने, तो जो वहाँ पे प्रोफेशनल्स होंगे ना, वो आपके ड्राइंग के अंदर बिल्कुल घुस के देखेंगे। मतलब बिल्कुल उसके पास आके कैसा इसकी डीलिंग करिए, क्या करा है, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे उनको परफेक्ट चाहिए होती है। तो इस वजह से हम इसको भी कमी ही मानेंगे, और क्योंकि मेरे को एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट तो बनना ही है, क्या पता फुल टाइम ही बन जाऊँ, तो मैं इसको कमी कंसिडर करूँगा। नेक्स्ट ये है एलिटा द बैटल एंजल। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो आप मूवी देखना, मेरी तो बहुत फेवरेट मूवी है, और फीमेल एनिमेटेड करेक्टर्स में मेरी सबसे फेवरेट करेक्टर एलिटा ही है। तो एलिटा का स्केच मैंने बनाया था, इसके अंदर तो भाई कमियों का भंडार है, और होगा भी, क्योंकि कई बहुत लोगों ने इसको प्रेज नहीं करा मेरे काम को, और करने वाला भी नहीं था। तो कमी क्या है, आईब्रोज। अगर आप आईब्रोज ध्यान से देखें तो आईब्रोज काफ़ी सॉलिड है, मतलब स्ट्रैंड बिल्कुल सॉलिड एकदम सीधे सीधे आए हुए हैं, जो बिल्कुल गलत है। और मैं देखता हूँ कि जब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ और फीड्स देखता हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ, फॉलो के कारण भी कहीं कहीं को फॉलो करता हूँ, कुछ काम बहुत अच्छे होते हैं तो कीप इट अप लगे रहो, बट उनके कामों में भी कमी है।
बहुत लोग आईब्रोज ढंग से नहीं बना पाते हैं, मतलब बहुत पतली स्ट्रैंड्स नहीं दे पाते हैं। मेन रीजन है शार्प पेंसिल्स नहीं है, और सबसे और आप सीधा डार्क पेंसिल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं आईब्रोज के अंदर। होता है अगर आप ड्राइंग देखें, कोई भी एक इमेज देखोगे ना तो उसके अंदर लगेगा आपको कि आईब्रोज तो डार्क पेंसिल से बना दूं, बट गलत। डार्क पेंसिल से डायरेक्ट नहीं बनानी चाहिए, पहले लाइट पेंसिल से थोड़ी थोड़ी आउटलाइनिंग करो और उसके ऊपर डार्क के शेड डालो, मतलब ताकि स्ट्रैंड्स 3D लगे, मतलब लगे कि पेपर से बाहर आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको परफेक्ट करनी पड़ती हैं। और कमियां क्या है इसके अंदर, जो आई लैशेज हैं, आई लैशेज बहुत ही अननेचुरल हैं, और नोज तो यार छोड़ो यार, ये बहुत बेकार ड्राइंग थी। हाँ, रिंकल नैप, इसका मैंने नाम रखा था रिंकल नैप, और ये एक ओल्ड लेडी, ये वाली ड्राइंग मेरे को पिक्सल से मिली थी। अगर आपको pixels.com के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे रेफरेंस इमेजेस बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं, और उसका लिंक मैं यहाँ पे आई आइकन पे दे दूंगा, तो आप जरूर देखिए। ये वाली ड्राइंग बहुत अच्छी थी क्योंकि इस पे मैंने 10 घंटे से ज़्यादा लगे थे। और इसमें कमी क्या है, कमी ये है कि नेल्स और स्किन का शेड इक्वल है। आप कहेंगे यार ये कैसी, ये मतलब इतनी बारीकी से क्यों हम इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है बारीकी से बताना। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं टेक्निकलिटी बताऊँ आपको चीज़ों की, तो वो मैं अपना रोल समझता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि नेल्स के शेड स्किन से बिल्कुल मैच नहीं हो रहे हैं। और अगर आप पास से रिंकल्स को देखें तो रिंकल्स के आजू बाजू में कोई ब्लेंडिंग नहीं है, तो इस वजह से रिंकल्स ना 3D नहीं लग रहे। क्योंकि जब एक रिंकल बनता है ऐसे, जब एक रिंकल ऐसे बनता है तो रिंकल के बीच वाला पोर्शन जो है वो तो बिल्कुल डार्क होना चाहिए, और रिंकल के इस साइड का और इस साइड का पोर्शन थोड़ा सा ब्लेंडेड होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाईलाइट से शेडो के पोर्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वाली ड्राइंग में नहीं करी है, और जो बहुत बड़ी गलती है, एक शेडिंग आर्टिस्ट को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने चैनल स्टार्ट नहीं करा था तब तक, तो इसको भी आप साइड रख दो। अगली ड्राइंग, मैं पता नहीं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, एक चीज़ के लिए कर रहा हूँ। देखो भाई, आइज और नोज, आइज और नोज जो होती है वो सबसे बेस्ट प्रपोर्शन, मतलब सबसे बेस्ट फीचर होती है फेस का। अगर वो बहुत अच्छी बन गई तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और अगर वो बहुत बेकार बन गई तो शायद आपकी ड्राइंग से बेकार हो कुछ। तो इसलिए नोज और आइज में कम से कम ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट करा करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जगह होती हैं नोस्टिल्स के ऊपर का, नोस्टिल्स के ऊपर का हिस्सा और ये पूरी की पूरी नोज, तो इन जगहों पे आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी चाहिए। आइज, आइज के नीचे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स जो नेचुरल स्किन के अंदर होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको एम्पोज करके लानी चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइम आपका आइज और नोज पे ही स्पेंड होना चाहिए। तो इसके अंदर यही वाली सारी कमियाँ है। और जो वाइट पेन का इस्तेमाल करा है मैंने, वो बहुत ही गलत तरह से किया है, इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाइट पेन का यूज़ कैसे बहुत अच्छी तरह करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। अब मैं चैनल पे आ गया हूँ, मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया है। और उस यूट्यूब चैनल पे सब, इस वाले यूट्यूब चैनल पे सबसे पहली ड्राइंग थी ये ग्रूट की। ग्रूट की ड्राइंग मेरी सबसे पहली ड्राइंग थी, और जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था। 111 लाइक्स आए थे उस वीडियो के ऊपर 2 ही दिन में। सबसे पहली वीडियो थी मेरे चैनल की, उसके ऊपर 111 लाइक्स आए। तो थैंक्स गाइस जिन्होंने, मतलब मैंने लिंक शेयर करा और सीधा खोल के देखा। अब तुम ना लाइक्स करते हो, ना कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, और अब तो पहले से अच्छी होती है वीडियोस। 2 मिनट साइलेंस कर लो यार, प्लीज कर लो, बोलना पसंद नहीं मेरे को बार बार, है बोलूंगा यूट्यूबर तो क्या होते हैं इस तरह की भीख तो मारा फर्ज बनना मार। तो इस वाली ड्राइंग के अंदर क्या है, वाइट पेन मैंने पहली बार इस्तेमाल करा। उन सब ड्राइंग में मैंने वाइट फ्लूट का इस्तेमाल किया था, फ्लूट जो इंक के ऊपर हम लगाते हैं ना, 8th-9th क्लास से आप यूज़ करते होंगे। तो वाइट पेन का इस्तेमाल काफ़ी वही गलत तरह से हुआ है, जो वाइट लाइंस मैंने बनाई हैं वो बिल्कुल कैमोफ्लेज नहीं कर रही हैं, तो इस तरह से हम स्ट्रैंड्स बिल्कुल नहीं बना सकते। नेक्स्ट पीटर डिंकलेज, ये तो ये समझ लीजिए कि मेरा सबसे पहला हाइपर रियलिस्टिक काम था जिसको मैंने, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। पर इसके अंदर भी जो कमियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आईब्रोज को अगर आप ध्यान से देखें तो आईब्रोज बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। असल में आईज बहुत अच्छी बन गई है, इस वजह से आईब्रोज का इफेक्ट पता नहीं चल रहा है। तो एक फीचर ने दूसरे फीचर को दबा दिया है, बट आपका काम क्या है, सारे फीचर्स को अच्छी तरह से बनाना। अगर आप इसमें हेयर्स को देखें तो हेयर्स मैंने इसमें कैमोफ्लेज करने की कोशिश करी है। जो हेयर्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो उनके अंदर मैंने शेडिंग्स डाली हैं, ताकि ऐसा लगे जो हेयर है, हेयर रूट में से निकल के बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो रूट की तरफ शेडिंग ज़्यादा और बाहर की तरफ शेडिंग कम, वो हाईलाइट वाला पोर्शन। तो ये वाली ड्राइंग के अंदर यही कमी है कि एक तो आईब्रोज अच्छे नहीं है, और एक जो मॉस्टेज है, ये मूछें हैं, मूछों की मूवमेंट अच्छी नहीं है। मूछों की मूवमेंट हमेशा ऐसे होती है, नीचे की तरफ, जो बीच वाला ऐसा होता है, और बाहर की तरफ ऐसे ही निकलती है।
बट इसके अंदर तो मैंने सारी ऐसे निकाल करके बाहर, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल मूवमेंट बाहर की तरफ है, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कर दी गई है, तो वो सारी मूवमेंट भी इस वाली फोटो की जान खत्म कर, इसमें कमी कौन निकाल सकता है, पर कमियां तो है, कमियां ये है कि जो स्कार्फ इसने पहना है, स्कार्फ की शेडोज नीचे की टी शर्ट पे नहीं बनाई है, जो कि बहुत गलत है, बनानी चाहिए थी, क्यों नहीं बनाई, छोड़ो कोई बात नहीं, अगली ड्राइंग्स में ध्यान रखेंगे, इम्प्रूवमेंट करना ही हमारा काम है। अगर आप इस वाली ड्राइंग में देखें तो काफी इम्प्रूव हो गया है, जो व्हाइट पेन का इस्तेमाल है वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है, आईब्रोज में इस्तेमाल ही नहीं करा, आई में इस्तेमाल ही नहीं करा, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं करना चाहिए और मैंने वही करा। लिप्स बहुत अच्छे बने वहाँ पे, मैंने बहुत शार्प पेंसिल्स का इस्तेमाल करा, मतलब 4H 2H की पेंसिल्स बिल्कुल अच्छी तरह से पॉइंटेड शार्प करके, मतलब ऐसे ही लगाओ तो सीरीज लगे और खून निकला है, इस तरह की शार्प कर। और जैकेट बहुत रफ बनी है, बहुत जल्दी बना दी गई, तो जल्दी जल्दी में काम करते हैं तो थोड़ा ख़राब तो होता ही है। तो डैट्स ऑल माई फ्रेंड्स फॉर टूडेज वीडियो, आज की वीडियो के अंदर मुझे इतने ही क्रिटिक्स अपने लिए निकालने थे, और आप भी अपनी कमियां निकालिए, क्योंकि हर कोई आपकी कमी निकालने नहीं आएगा, और जब आप अपने खुद की क्रिटिक बन जाएंगे ना, तभी आपकी इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फाइट करो, और किसी को देखो मत कि यार और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, केवल अपने बारे में सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे को उसको बेहतर कैसे बनाना है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और स्केच करते रहो यार, मेरी स्केचिंग देखते रहो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कि वहाँ पे पोल्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। इस वीडियो का आइडिया भी मुझे आप लोगों की पोलिंग से ही मिला है, तो वहाँ पे मेरे को फॉलो करो, डाइवर्सिटी आर्टिस्टिक मेरे अकाउंट का नाम है, और मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर, बहुत जल्दी बनाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट रहता है, बट होगा, जल्दी होगा, बाय।